कल हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड्स के बारे में पढ़ा था। इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यस और नो? सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स आर पार्ट ऑफ द क्लास। टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। स्टैटिक वेरिएबल्स सीधा क्लास के नाम से हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करने के लिए वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ये एक पहला था। फिर हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, वो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब तक के अपने 4 दिन के सेशन में हमें सबसे पहले मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहा है कि वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिलती है यहाँ। और अगर ये चीज अगर आप समझ गए हो तो फिर ऑब्जेक्ट के साथ खेलना आप लोगों को इजीली आ जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है क्लास लोड टाइम पे। अगर कल जाके अगर कोई पूछता है आपको क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास लोड टाइम, देन यू हैव टू से कि व्हेन यू राइट जावा एंड द क्लास नेम, देन यू आर सबमिटिंग योर जावा प्रोग्राम टू JVM एट द क्लास लोड टाइम स्टैटिक वेरिएबल्स विल गेट मेमोरी। ओके, बट व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल्स विल गेट मेमोरी when the object is created, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब जाके इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी, तब जाके। और फिर कल हम लोगों ने हीप डायग्राम कैसे बनाना है, मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था उसमें एक लाइन लिखी थी हम लोगों ने, उसके दो पार्ट थे। एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है। लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं रेफरेंस एंड राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस एक मिनट, कैन सी माय स्क्रीन? तो ये वाला जो लाइन था इसमें हम ये IVD1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। इन दिस केस ये IVD1 इज अ लोकल रेफरेंस वेरिएबल। ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल कहाँ रहेगा? स्टैक पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन हीप। ठीक है, सो ये लोकल रेफरेंस वेरिएबल इज रेफरिंग टू दैट ऑब्जेक्ट ऑन हीप, यही इसका मतलब है। यस और नो? ठीक है, तो अगर ये चीज आप लोगों को पता है तो बहुत सारी चीज आपको पता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कंटेंट ऑफ IVD1, देन यू हैव टू से हाउ टू रीच दैट ऑब्जेक्ट ऑन हीप इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ IVD1। परफेक्ट। ओके, एक धीस कीवर्ड है, उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो छोटी मोटी चीजें वो हम लोग खत्म कर लेते हैं और उसके बाद में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं इसी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, IVD1 का। IVD2 एंड IVD3 हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए यहाँ पे। इफ आई से IVD1 इज इक्वल टू IVD2, इसका क्या मतलब है? जस्ट टू मैप दिस कंसेप्ट, आप ऐसे लिखो int p इज इक्वल टू 10 एंड int Q is equal to 20, ठीक है? और क्या आप ऐसे लिख सकते हो P is equal to Q? Yes, sir. तो मुझे बताओ किसका कंटेंट किसमें कॉपी हो रहा है? IVD2 का कंटेंट IVD1 में, Q का P में हो रहा है। Q का P में कंटेंट कॉपी हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, IVD2 का कंटेंट IVD1 में कॉपी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी का अगर मुझे स्टैक डायग्राम और हीप डायग्राम बना के अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप क्या करोगे कि एक IVD1 है, एक पहले ये एक अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, IVD2 एक अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था एंड IVD3 एक अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, बराबर है? Yes. फिर आपने लिखा है कॉपी द कंटेंट ऑफ IVD2 इन IVD1, बराबर है? तो IVD2 का कंटेंट क्या है, हाउ टू रीच ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट ऑन हिप, बराबर है? ये कंटेंट हम किस में कॉपी कर रहे हैं? IVD1 में। तो
IVD 1 भी किससे रेफर करेगा अब आफ्टर दिस असाइनमेंट? मतलब यही है ना कि ये लिंक हट जाएगा, करेक्ट? ठीक है, और ये भी इसको रेफर करते हैं, हाउ टू रीच दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन हीप, यही कंटेंट आप IVD 1 में कॉपी कर लो, यस और नो? ये इसका मतलब है, रीअसाइनिंग अ रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये है, मतलब कि अब हीप डायग्राम में क्या हो रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है. आफ्टर लाइन नंबर 42 एट लाइन नंबर 43, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर ऑन हीप, आप योर आंसर विल बी 3, बट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रीचेबल? 2. परफेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन. जब भी गार्बेज कलेक्शन रन होगा तब ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये इसका कोई इसको कोई रेफर नहीं कर रहा है और ये अनरीचेबल हो गया. परफेक्ट. ओके, सो मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये तो हो गया, मतलब कि IVD 1 भी एक ही और IVD 2 जो है एक ही ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है. अगर मैं PQ की अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखूं system.out.println P is equal to equal to Q. Sorry, P or Q. After this line, अगर मैंने ये statement लिखा यहाँ पर, इसका क्या output आएगा? True. क्यों? क्योंकि P और Q का content same हो गया. Similarly, if I write IVD 1 equal to equal to IVD 2, ये भी क्या return करेगा? True करेगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों का binary representation अब same हो गया. Yes. Yes or no? Bit by bit copy सबकी इनकी भी सिग्मा है. इस केस में P और Q का binary representation same है. इस केस में IVD 1 और IVD 2 का binary representation same है. ये चीज आपको पहले मैं ये बताना चाहता था कि if you after this line if you say IVD 1 is equal to equal to IVD 2, अगर आप ऐसा करोगे तो it will give you true. But if I say IVD 2 is equal to equal to IVD 3. ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स. क्यों? परफेक्ट, क्योंकि डायग्राम देख के ही बता दो ना आप लोग यहाँ पे. इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हाउ टू रीच दिस ऑब्जेक्ट ऑन हिप, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हाउ टू रीच दिस. सिंस दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन हिप, तो इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी अलग होगा IVD 2 और IVD 3 का. बराबर है, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता अलग है, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता अलग है. सो इन दिस केस इफ यू राइट IVD 2 इक्वल टू इक्वल टू IVD 3, इट विल गिव यू फॉल्स. ओके, now coming back to this line IVD 1 and equal to IVD 2, after this assignment IVD 1 and IVD 2 will refer to the same object. Iska matlab ye bhi hai ki if you IVD 1 ke instance variable kon hai, a or b hai na, theek hai, assume karke chalte inki value 10 and 20 hai. Iska matlab ye hai ki agar main IVD 1 ke through agar is object mein changes karunga तो ये IVD 2 के थ्रू भी एक्सेस वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगा इसको. यस सर. यस सर. इफ यू आर नॉट लिसनड, फिर से एक बार सुन लो. अगर यहाँ पे मैं IVD 1 के थ्रू अगर इस ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो ये IVD 2 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बराबर है. सिमिलरली मैं IVD 2 के थ्रू अगर कुछ चेंजेस करूंगा तो वो IVD 1 में रिफ्लेक्ट होगा. बट कोई चेंज इस IVD 3 में होंगे क्या? नहीं. नो सर. ठीक है, ये डेमो करके देखें. यस सर. कोई डाउट है किसी को? प्लीज गो अहेड. डायग्राम हटा दूं? ये समझ गए हो ना, ये रीअसाइनमेंट का डायग्राम ऐसे बनेगा. ये अगर आपको पता है देन आंसरिंग दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो आफ्टर दिस लाइन IVD 1 इज इक्वल टू IVD 2, इफ आई चेंज IVD, इनका है ना पहले पहले कंटेंट हम लोग प्रिंट कर लेते हैं रीअसाइनमेंट से पहले. फिर रीअसाइनमेंट के बाद इनका कंटेंट चेंज. यहाँ पे IVD 2 जो था IVD 2.a इज इक्वल टू 100. IVD 2.b इज इक्वल टू पर क्या लिखा है इसमें ज्यादा भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ.
IVD1.A is equal to 100, B200, इसको 300 कर देता है, इसको 400 कर देता है, IVD3 का content, कोई असाइनमेंट करने से पहले मैं इनका डेटा प्रिंट कर लेता हूं. IVD1.AI एंड आफ्टर दिस IVD3 चाहिए ना 500. ठीक है, थैंक यू. तो इस असाइनमेंट के बाद में क्या वैल्यूज होगी IVD1.A और IVD1.B के लाइन नंबर 29 के बाद? 300 ठीक है. अभी हिप डायग्राम आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसको हम यही चेक करना था हमें. और स्पेलिंग में जावा, ये पहले हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर लिया था यहां तक, बराबर. इसके बाद में मैंने IVD1 और IVD2 का कंटेंट प्रिंट किया, तो जो इनिशियली 100-200 था, अभी वो कितना हो गया? 300-400. जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू ओपन द डोर. तो इसका कंटेंट अभी हो गया 300-400. कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. ठीक है सर. इसमें वेरिएबल नेम सेम ही होना चाहिए ऐसे असाइनमेंट के लिए? वेरिएबल नेम सेम मतलब? मतलब सर वो ए और बी, अगर उसके जगह अगर D2 में XY ले ले तो फिर असाइन नहीं होगा क्या? XY है क्या इसमें? नहीं है सर. डेमो में तो फिर इसमें XY होगा तभी तो XY यूज करोगे ना. अब A और B की मल्टीपल कॉपीज बनेगी ना हर एक ऑब्जेक्ट के लिए. कल एम्प्लॉई नाम का क्लास लिया था, याद है सर? यस सर. हाँ, तो फिर अलग क्यों करना है इसको? यहाँ पे ये सेम ही इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होगी, राइट? ओके. और IVD2.A और IVD2.B का भी कंटेंट क्या रहेगा? 300-400 ही रहेगा. यस और नो? लेकिन IVD3 का जो है अभी भी वो 500-600 हो गया. तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, या इस टाइप से होगा. ठीक है, तो ये IVD1 और IVD2 का कंटेंट है और ये IVD3 का कंटेंट है जो कि अलग है यहाँ पे. फिर लास्ट में मैंने ये कहा कि अगर आप IVD1 के थ्रू अगर चेंजेस करोगे, सिंस दो रेफरेंस वेरिएबल दो है लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है, राइट? दो रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे. तो इस केस में अगर एक से भी चेंज करोगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरे में चेंज करो तो ये पहले में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. व्हाट माय पॉइंट? तो IVD1.A को मैं कर देता हूँ 700, और यहाँ पे IVD2.A अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या ये 700 होगा कि 300 ही होगा? 700. समझ में आया? IVD1 के थ्रू चेंजेस कर रहा हूँ लेकिन IVD2 का कंटेंट में प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो लास्ट वाली लाइन मेरे ख्याल से 700 आनी चाहिए. समझ में आया?
यस सर आईवीडी टू से चेंजेस करते हैं आईवीडी वन से एक्सेस करता हूं इसे ठीक है दोनों सिनेरियो आपने कवर होगा तो लास्ट के दो लाइन 700 एंड 800 ये था रीअसाइनिंग रेफरेंस वेरिएबल एक रेफरेंस वेरिएबल दूसरे रेफरेंस वेरिएबल को जब भी आप असाइन करते हो तो ऐसा होता है अब अगर मैं अगर ऐसे लिख दूं अगर ये समझ में आया तो इसका मुझे आंसर बताना आईवीडी 3 इज इक्वल टू आईवीडी 1 क्या होगा ये ये वन है ये टू है और ये थ्री है ये पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे बराबर यस सर फिर हमने क्या लिखा आईवीडी वन इज इक्वल टू आईवीडी टू मतलब टू का कंटेंट हमने वन में कॉपी किया बराबर तो ये हट गया और ये किसे रेफर करेगा अभी सेकंड ऑब्जेक्ट को ठीक है फिर अभी लास्ट लाइन पे हमने क्या लिखा है किसका कंटेंट हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं थ्री का किसका कंटेंट किसमें पेस्ट कर रहे हैं वन का कंटेंट हम लोग थ्री में डाल रहे हैं और वन का कंटेंट क्या है हाउ टू रीच दिस ऑब्जेक्ट ऑन यस और नो तो ये कंटेंट हम किसमें डाल रहे हैं आई थ्री में डाल रहे हैं तो आई थ्री अभी इसे रेफर कर रहा था अब ये हट जाएगा और आई थ्री किसे रेफर करेगा यस और नो After this line, if I write system.out.println IVD1 equal to IVD3. Will it print true? True आएगा कि false आएगा? True. क्यों क्योंकि अब तीनों का content same हो गया ना यहाँ पर. Reference variable तीन है लेकिन एक ही object को refer कर रहा है. अब इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं three से change करूँगा तो वो किस में reflect होगा? IVD1 IVD2 से अगर मैं चेंजेस करूंगा तो किस में रिफ्लेक्ट होगा IVD1 IVD2 समझ में आ रहा है यस सर ठीक है ओके किसी को कोई डाउट है इस पर अगर इसके बाद इफ आई राइट टू is equal to IVD3 ये क्या प्रिंट करेगा true इससे अगर इससे पहले लिखता तो मैं false प्रिंट कर false होता था बराबर आपको होगा कि 1 और 3 को करो 2 और 3 को इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 2 भी उसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था ठीक है अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं 1 ही लिख देता हूँ फर्स्ट ठीक है आई होप कि आप समझ गए पहले फॉल्स था अब क्या हो गया ये समझ में आ रहा है ये यस सर यस सर वन इक्वल टू थ्री भी करोगे तो ये ट्रू ही देगा वन इक्वल टू टू करोगे तब भी ये ट्रू ही देगा लास्ट के तीन लाइंस ट्रू ही रहेंगे ठीक है तो ये सब इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप विजुअलाइज कर पाओ कि क्या हो रहा है अगर आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे इस चीज को यहाँ पे तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है ट्रस्ट में ठीक है ओके क्लास में हटा लेते हैं इसकी जरूरत नहीं ये क्लास दे देता हूं मैं लोगों को जब कोई डाउट है इसमें तो नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग
No, sir. तो मैं ना एक हीप डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका कोड बताओ कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, कर लो क्या? यस सर, ट्राई करो। यस सर। ये आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है, तीन ऑब्जेक्ट्स। क्या कोड होगा? इंस्टेंस वेर डेमो आई वन इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस वेर डेमो आई टू इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस और सिमिलरली आई थ्री के लिए, ठीक है? अभी मुझे क्या करना है कि ये लिंक हटा देनी है और ये आई टू जो है अब इसे रेफर करेगा। क्या लिखू मैं कोड? ये लिंक हटानी है मुझे और आई थ्री शुड पॉइंट टू और आई वन। चलो समझ गए हो आप, क्या हो गया? नहीं इसको अभी आप रिफर कर पाओगे क्या कभी भी? नहीं, क्योंकि ये लॉस्ट हो गया। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? दो, या तो ये इस ऑब्जेक्ट को तो रिफर कर ही रहा है, तो मैक्स टू मैक्स हम चाहो तो इसको इसमें रीअसाइन कर सकते हैं। क्या लिखो? I1 equal to I2. नहीं, क्योंकि I3 तो अभी इसको रिफर कर रहा है ना। Yes, yes, yes. Yes, yes. ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलो, तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल असाइनमेंट। में राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। कंस्ट्रक्टर में आप कंफर्टेबल हो? व्हाई डू वी यूज कंस्ट्रक्टर्स? Initialize instance variables dynamically, we use constructors. Perfect. Why not init block to initialize the instance variables? Fixed value रहेगी इसमें। Perfect, perfect. एक fixed value रहेगी। अगर dynamically करना है तो we have only एक final reference variable के बारे में कल बताया था मैंने आपको, final instance variable। कहां कहां पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा? कैन यू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इन दिस सेम लाइन? यस। अगर नहीं करोगे तो इनिट ब्लॉक में करना पड़ेगा या तो कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा। अगर इन तीनों जगह पे नहीं करोगे तो प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। परफेक्ट। सिमिलरली स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स के केस में हमें सेम लाइन पे करना पड़ता है या तो फिर स्टैटिक ब्लॉक करना पड़ता है। अगर दोनों जगह पे नहीं करोगे तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। परफेक्ट। चलो बढ़िया, ये रिवाइज करना रह गया था, एक बार रिवाइज कर लो। राइट डाउन द हेडिंग दिस कीवर्ड। This कीवर्ड है जिसका नाम है this। कल हमने इंस्टेंस मेथड डिस्कस तो किया है लेकिन खास कुछ किया नहीं फिर हम लोगों ने उसने यहाँ पर। तो आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंस्टेंस मेथड पे अभी हम लोग फोकस करें यहाँ पर। तो वेरिएबल लेवल पे जितना भी करना था वो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। प्रिमिटिव वेरिएबल्स के साथ, रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ में कुछ और चीज है अभी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों को ये चीज। दिस डेमो, लेट्स से देयर इज वन क्लास कॉल्ड क्लास ए, एम्प्लॉय ले लेते हैं।
कल हम लोगों ने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया था ना? यस यस सर, इसे को ले लेता हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इतनी भी नहीं चाहिए, बस तीन ही रह गए तो भी काफी है आज के डेमो के लिए। If you don't write any constructor, then कौन दे देगा आपको constructor? Java. Java. With how many arguments? Zero. This keyword पे भी jump करने से पहले एक चीज पहले बता देता हूँ। एक instance method अगर मुझे बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगा, print नाम के एक method बना देता हूँ। और instance by by होता है यहाँ पे। इंस्टेंस मेथड में आप इंस्टेंस वेरिएबल को चाहो तो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो अगर मुझे इन सब को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम एक ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे बना? एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू E1.employee equal to A. E1.name. So ID A. ओके और फिर अब ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड को हमेशा कैसे इन्वोक किया जाता है? पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे क्या इसको? नहीं, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे, E1.print, ठीक है? पहले आप समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक आपको ये पता है कि एक स्टैक है, एक हीप है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना और ये इवन जो है इसको रिफर कर, बराबर। और ये इवन कहाँ बनाया हम लोगों ने? सो व्हेन यू से इवन डॉट प्रिंट, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, प्रिंट ये इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस मेथड। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, पहले इवन बनाए, इवन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? वन, इसका नेम ए है और सैलरी कितनी है? 10,000 है। सो इंस्टेंस मेथड्स आर ऑलवेज इन्वोक्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। थ्रू ऑब्जेक्ट का मतलब है मैंने प्रिंट मेथड को कॉल किया। यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर रहे हो? एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। यहाँ पे तो तीन ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने, E2 और E3। E2 भी बनाया हुआ है, E3 भी बनाया हुआ है। Assume that कि इनको मैं नाम देता हूँ 2B और 20K और 3C और 30K। Assume कि इनकी सैलरी है। अब यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर रहे हो? Employee ID, Employee Name और सैलरी। लेकिन किस ऑब्जेक्ट का Employee ID, किस ऑब्जेक्ट का Employee Name और किस ऑब्जेक्ट की सैलरी? यहाँ पे तो तीन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने। What my point? मैं क्या कह रहा हूँ?
When you say e1.print का मतलब है कि आप एक इंस्टेंस मेथड है जिसको e1 के थ्रू कॉल करें. e1 किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है? Yes. तो इंस्टेंस मेथड्स आर इन्वोक्ड थ्रू ऑब्जेक्ट का मतलब है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यू आर कॉलिंग अ प्रिंट मेथड. व्हाट माय पॉइंट? यस सर. Yes. अब अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर इस मेथड को अगर कॉल किया गया है तो आप इस मेथड के अंदर में इसकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ऐसे तो इस केस में ये किसका एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी प्रिंट करेगा? इस ऑब्जेक्ट का. समझ में आया? Yes. देखो यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट लिया क्या? कुछ भी नहीं लिया. व्हाट माय पॉइंट? यहाँ पे हमने नहीं आर्ग्यूमेंट लिया है. तो इंस्टेंस मेथड्स आर व्हाट ऑलवेज इन्वोक्ड थ्रू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको प्रिंट को कॉल करना. तो अगर ये प्रिंट अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसे प्रिंट कर सकते हो. समझो? ठीक. इस केस में अगर मैं अब लिखता हूं e2.print, सबसे पहले मैं था e1.print बोले तो स्टैक में कौन आएगा? प्रिंट आएगा. प्रिंट आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये अपना काम खत्म करेगा, स्टैक से निकल जाएगा, मेन फिर आगे की कहानी आपको. इफ आई राइट e2.print तो अब ये e2 प्रिंट किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है? e2 जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है उसके थ्रू. यस और नो? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टेंस मेथड्स आर ऑलवेज इन्वोक थ्रू ऑब्जेक्ट बोले तो आपको हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट मेथड कॉल हुआ. व्हाट माय पॉइंट? यस सर. अब इस केस में जब ये प्रिंट कॉल होगा तब ये क्या प्रिंट करेगा? 1A 10,000 प्रिंट करेगा कि 2B 20,000 प्रिंट करेगा? 2B 20,000. समझ में आ रहा है? पर एंड इफ आई राइट e3.print तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? इंस्टेंस मेथड्स आर ऑलवेज इनवोक थ्रू ऑब्जेक्ट बदले तो पहले ऑब्जेक्ट से लेके ऐसे एक गोला बना दो, यहाँ पे एक डायग्राम बना दो और प्रिंट मेथड को कॉल करो. इस केस में इफ आई राइट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम सैलरी देन इट विल प्रिंट 3C एंड 30,000. समझा? यस सर. यस. डेमो देखे? यस सर. ठीक है. सो मुझे बताओ इंस्टेंस ऑफ मेथड्स आर इनवोक्ड थ्रू ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें जाना है. कर लोगे? नहीं है? Yes, sir. Yes, कोई डाउट है किसी को? पूछ लो, क्योंकि ये अगर नहीं समझा तो आगे का सेशन थोड़ा टफ जाएगा. सिंपल है? कोई भी वैल्यू पास नहीं की हुई ना? हमने कुछ भी पास नहीं किया, फिर भी स्टिल इट इज स्टिल एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसी का मतलब इंस्टेंस मेथड्स आर इनवोक्ड थ्रू ऑब्जेक्ट बोले तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं डायरेक्टली. ठीक है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यानी जो वैल्यूज अपन ने उसको असाइन किए, वही है. मतलब इस केस में 1A और 10,000 इनकी बात कर रहा हूँ मैं जी, ये डायरेक्टली प्रिंट कर लेगा. ठीक है? ये तुमने एकदम सही पकड़ा कि हमने कुछ भी पास नहीं किया बट स्टिल वी आर एबल टू प्रिंट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है उसके प्रॉपर्टीज हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है सर? अगर वहां पे आर्गुमेंट्स पास करते तो वो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाती है क्या? क्या क्या आर्गुमेंट्स पास कर देते फंक्शंस को जो मेथड है? नहीं, तो फिर तो वो आर्गुमेंट पास करना हुआ ना. ये नहीं, तो अगर वहां पे कर देते तो वैल्यूज मॉडिफाई हो जाती है. अगर तुम इसकी मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई होगी. नहीं समझा सर, मतलब ये जो आप प्रिंट है ना, प्रिंट लिखा है आपने, तो प्रिंट के अंदर आर्गुमेंट्स लिख दिया. क्या लिखूं मैं यहाँ पर? कुछ भी, मतलब आर्गुमेंट्स में एक इंट ईआईडी लिख दिया. अब जैसे एम्प्लॉय नेम और सैलरी का भी लिख दिया, तो अब जो यहाँ पे अपन नीचे कॉल कर रहे हैं ना इंस्टेंस मेथड को, अगर वहाँ पे यहाँ पे भी आर्गुमेंट उस हिसाब से पास कर दिए तो ये वैल्यूज फिर पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मॉडिफाई हो जाएगी क्या? e1.employee id मैं क्या पास करूं यहां पे? 1 पास करूं, क्या पास करूं? 1 पास, 5 पास कर दिया.
चलो मैंने 5 पास कर दिया, ये 5 जाके किस में कॉपी हुआ? इसमें EID में। तो इस EID का और इसका क्या लेना देना है? तो यहाँ पे पास हो रहा होगा ना employee ID को, क्या मैं गलत हूँ? तुम समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 5 जाके किस में कॉपी होगा? EID में। EID में। What is the connection between EID and employee ID? नहीं बता सकते। कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा ना, तब जाके एम्प्लॉय आईडी में जाके कॉपी होगा। दिस इज जस्ट पासिंग अ आर्गुमेंट, पासिंग अ वैल्यू टू सम मेथड। ये सिंपली ऐसा है यहाँ पे। अगर आपको इसको चेंज करना है तो कुछ और लिखना पड़ेगा ना कोड आपको। अच्छा आया ना, ये आपने प्रिंट में ये 5 भेजा, ये 5 जाके ईआईडी में कॉपी हुआ, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ईआईडी एंड एम्प्लॉय आईडी, आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना फिर बाद में। ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। अभी तो आपने अब जाके आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया एम्प्लॉय आईडी और ईआईडी के बीच में। ऐसे करोगे तो चेंज तो होगा, क्यों नहीं होगा? है ना। लेकिन हाँ, हम कल कंस्ट्रक्टर देखा ना हम लोगों ने। हाँ सर, क्या किया था कंस्ट्रक्टर में, इफ यू रिमेम्बर? कंस्ट्रक्टर में अपन ये ईआईडी है, नेम है, लेकिन ईआईडी और इस एम्प्लॉय आईडी के बीच में कनेक्शन क्या है? ये हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया ना, यहाँ पे इक्वल टू करके असाइनमेंट किया ना हम लोग यहाँ, ठीक है। तो अगर ये नहीं करते तो वो क्या अपने आप जाके असाइन हो जाएगा क्या वहाँ पर? नहीं सर, वो मिस कर दिया सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भेज रहा है क्या? नहीं भेज रहा, बट विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट टू द मेथड स्टिल वी आर मैनेज टू प्रिंट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बराबर। एक मिनट So without passing argument to the method, we are still managed to print the object. तो हमेशा when you say instance method, तो हमेशा object के through आना है, और जिस object के through आप आए हो उसके आप properties आप print कर सकते हो। एक बार करके देख ले हम लोग फटाफट, तो clear हो जाएगा। Yes. अब इस केस में क्या करते हैं, मैं E2 और E3 की भी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर ही बना लेते तो फटाफट हो जाता। इस केस में इवन डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा? 1A and 10,000। इस केस में 2B and 20,000। ठीक है, अगर मैं ये कोड कमेंट कर देता हूं, ओके, ये क्या प्रिंट करेगा? एम्प्लॉय आईडी विल बी 0, एम्प्लॉय नेम विल बी नल, नल, सैलरी विल बी 0.00, बराबर है ना? यस यस। सॉरी, क्या नाम था इसका? वन ए 10,000, 2B 20,000 एंड 0.0। आई होप कि ये क्यों आ रहा है आप समझ पा रहे हो इसको। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, चलो फॉर द लास्ट टाइम नाउ टेल मी, इफ आई से E1 इज इक्वल टू E2,
और इसके बाद में लिखता हूँ even dot print, क्या होगा? To be 20,000. To be and 20,000. Similarly, e2 dot print भी क्या print करेगा? To be and 20,000. Perfect. I hope, चलो ये तो समझ में आ गया. ठीक है, so instance methods are always invoked through object बोले तो object से आप मेथड कॉल करो, फिर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करो. यहाँ पर क्या बताने वाला था आप लोगों को, एक ये होगा. ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने. चलो अगर ये समझ गए तो इसका आंसर बता पाओगे? एक क्लास पर्सन बना देता हूँ, पर्सन क्यों बनाना, सिंपल वाला बना देता हूँ. ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए. ए ए वन इज इक्वल टू न्यू ए, ए ए टू इज इक्वल टू न्यू ए. क्या प्रॉपर ए ए एंड बी एक लिया है क्या? yes. ए वन डॉट प्रिंट मेथड बनाई क्या हम लोगों ने इसमें? क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट बनाने भी तो होगी ना यहाँ पे. यस सर. यस तो हम लोग क्या लिख रहे ना, मैं ए वन या ए टू ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे सीधा, ये ना लिखते हुए हम लोग सीधा क्या लिख रहे हैं, ए एंड बी. तो ये किसका ए और किसका बी कॉल करेगा? तो आप मुझे बताओ अगर इंस्टेंस मेथड अगर इन्वोक हो रहा है, दैट मीन्स यू आर 100% श्योर कि ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ होगा? यस और नो? यस सर. बराबर, तो दैट मीन्स अगर आप इस मेथड के अंदर में हो, इसका यही मतलब है कि किसी कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल किया. दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स इनसाइड द इंस्टेंस मेथड. तो जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है उसका ए और उसका बी ये प्रिंट कर देगा. बराबर, अब अपने केस में क्या आउटपुट आएगा? 100-200 फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड केस में 30-40. ठीक है, चलो यहां से आगे ले जाता हूं मैं, थोड़ा वापस से डायग्राम पे वापस आता हूं एक मिनट के लिए. अब यहां से अभी मैं दिस समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दो. हीप पे ज्यादा फोकस नहीं होगा आपका यहाँ पे, हीप डायग्राम पे फोकस आपको करना है स्टैक डायग्राम पर. ठीक है, इस केस में मैंने एक ए वन बनाया है, एक ए टू बनाया है. ए वन इज पॉइंटिंग टू वन ऑब्जेक्ट एंड A2 is pointing to, referring to one object on heap. फिर ये करने के बाद में आपने कौन से मेथड को कॉल किया है? A1 dot print. तो सब ये मेन था, ये मेन मेथड है ना. जब आप प्रिंट कॉल करोगे तो स्टैक में कौन आएगा? प्रिंट आएगा. ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट तो मेन मेथड में बनाया था मैंने, बराबर है? हाँ या ना? बट स्टिल इन दिस मेथड वी आर एबल टू गेट दिस ऑब्जेक्ट. हाउ? आपको थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है? ए वन ए टू मैंने इस मेन मेथड में बनाए हैं, ठीक है, बट यहां प्रिंट मेथड में इसका और इस ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना है क्या? कोई नहीं. तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, प्रिंट मेथड या इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस मेथड है. और इंस्टेंस मेथड्स में हमेशा यू विल गेट
वन लोकल रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम होता है दिस. क्या नाम होता है इसका? This. कोई भी मेथड हो, अगर कोई भी इंस्टेंस मेथड हो, हर एक इंस्टेंस, नॉट ओनली इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक्स के अंदर में, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर भी एक ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है ना, ये कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेथड ये ऑब्जेक्ट के पार्ट है, तो ये सारे इंस्टेंस ब्लॉक्स हो गए. हर एक इंस्टेंस मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो, आपको एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा जिसका नाम होगा दिस, एंड दिस विल ऑलवेज रिफर टू करंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट. दिस हमेशा किसे रिफर करेगा? दिस विल ऑलवेज रिफर टू करंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट. प्रिंट मेथड कॉल हुआ किस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हुआ? यहां पे तो दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं मैंने, किस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हुआ? A1 जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, बराबर है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने किसको कॉल किया है? अब अगर आप प्रिंट मेथड के अंदर आओगे तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल होगा. क्या नाम है उसका? दिस. एंड दिस विल ऑलवेज रिफर टू करंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से ये मेथड कॉल हुई है, जिस ऑब्जेक्ट के वजह से ये मेथड कॉल हुई है, दिस हमेशा उसे रिफर करता है. समझा? यस यस सर. यस. ठीक है, यहाँ पे ए और बी की प्रॉपर्टीज थे, लेट्स से 100 और 200 किया है हम लोगों ने यहाँ पे. ठीक है, तो वहां पे अगर आप प्रिंट मेथड को अगर वापस से देखोगे, तो प्रिंट मेथड में आपने लिखा है ए एंड बी को प्रिंट किया है ना सिंपली. यहाँ पे ए एंड बी का मतलब, ये डायरेक्टली ए या बी नहीं प्रिंट होता, यहाँ पे इसका मतलब है दिस डॉट ए एंड दिस डॉट बी, इम्प्लिसिटली यही लिखा जाता है बैकग्राउंड में. समझ में आ रहा है? ये प्रिंट मेथड को, प्रिंट मेथड स्टैक में आया, लेकिन किस ऑब्जेक्ट की वजह से आया? ये वाला ऑब्जेक्ट, यस और नो? तो प्रिंट मेथड के अंदर में, अगर आप प्रिंट मेथड के अंदर आओगे, तो इस मेथड के अंदर में यू विल गेट वन लोकल रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम होगा दिस. और ये किसे पॉइंट करता है? ये रेफरेंस वेरिएबल है तो किसी ना किसी को पॉइंट करेगा, तो ये हमेशा जिस ऑब्जेक्ट की वजह से ये मेथड कॉल हुआ था उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. तो आप डायरेक्टली चाहो ए और बी को लिखो, या तो आप दिस डॉट ए या दिस डॉट बी लिखो, सेम ही चीज है. समझ में आ रहा? ठीक है, अब नेक्स्ट केस में इफ आई से ए टू डॉट प्रिंट, ध्यान दो, पहले हमने ए वन डॉट प्रिंट किया, ए वन डॉट प्रिंट का काम खत्म हुआ, इसने अब सब कुछ प्रिंट कर लिया, तो ये दिस भी चला गया ना यहां से, बराबर है. अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग किसके थ्रू अब प्रिंट को कॉल कर रहे हैं? ए टू. इस ए टू के थ्रू इस प्रिंट को कॉल कर रहे हैं, तो स्टैक में कौन आएगा? प्रिंट आया वापस है. अब मेथड के अंदर में वापस से आपको मैंने क्या कहा कि इंस्टेंस मेथड्स के अंदर में आपको क्या मिलता है? दिस मिलता है, लोकल रेफरेंस वेरिएबल दिस मिलता है, लेकिन ये हमेशा अब इस केस में ये किसे पॉइंट करेगा? उस बंदे को पॉइंट करेगा जिसके वजह से ये प्रिंट मेथड स्टैक में आया. इस केस में अब किसके वजह से आया ये? तो इस केस में दिस डॉट ए एंड दिस डॉट बी ये क्या प्रिंट करेगा? आप ए और बी लिख रहे हो, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये दिस डॉट ए और दिस डॉट बी हो जाता है. समझा? ठीक है, यही था दिस, खत्म. दिस विल ऑलवेज रिफर टू करंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. जिसके वजह से मेथड या कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं, जिस ऑब्जेक्ट के वजह से इंस्टेंस मेथड से कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं, दिस हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है, रेफर करता है. दिस कीवर्ड इज अवेलेबल ओनली इन इंस्टेंस मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, नॉट इन स्टैटिक मेथड्स.
मतलब अगर स्टैटिक मेथड के अंदर में अगर आप दिस लिखोगे तो वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट लगता है क्या? नो सर। स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट ही नहीं लगता, तो फिर दिस किसे रिफर करेगा वहां पर? किसी को कर ही नहीं पाएगा, करेक्ट? यस। सो दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और दिस हमेशा यू विल गेट इन इंस्टेंस मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स में ही आपको दिस मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक में यू विल नॉट गेट दिस कीवर्ड, यू कैन नॉट यूज। इफ यू यूज दिस कीवर्ड इन स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक ब्लॉक, यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, एक प्रोग्राम करके देखे इसका। ये तो हो गया, बस मैंने आपको ये बताया कि एक दिस नाम का एक बंदा होता है जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, बस यही चीज मैंने अलग बताई। फिर इस कोड में मैं क्या चेंजेस करूं? ये डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हो ना? क्या करना है आपको? दिस बनाना है और जिसके वजह से ये प्रिंट मेथड कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना है आपको। ठीक है, e1.a1. प्रिंट करूंगा तो ऐसे दिस होगा, a2. प्रिंट करूंगा तो दिस का डायग्राम ऐसे होगा, दिस अभी a2 को पॉइंट करेगा, बस यही करना था आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या दिस डॉट ए या दिस डॉट बी लिख सकता हूँ? यस सर। यस यस। अगर नहीं भी लिखोगे तब भी इंटरनली ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम लिख सकता हूँ? यस। लिखो नहीं लिखो एक ही चीज है, बस ये बता रहा था कि एक दिस करके कीवर्ड। अब इसका यूज कहाँ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आउटपुट तो वही आएगा क्योंकि आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं है अपने, बस विथ दिस हमने अभी प्रिंट किया, बस यही एक चेंज है। कल हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कंस्ट्रक्टर डेमो, दिखाया कि नहीं? Yes। अब इस केस में अगर अब मैं कुछ चेंजेस करो, पहले देख लो चेंजेस फिर बाद में लिखना। मैंने कल कहा था कि ये जो है थोड़ा अलग अलग रखो, है ना, वेरिएबल के नाम और आर्गुमेंट के नाम। सॉरी, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता? जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, बराबर है? तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ उसको दिस हमेशा रिफर करेगा, बराबर है? आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओ, आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी आपको एक दिस मिलेगा। दिस किसे पॉइंट करेगा? ये पहले वाले ऑब्जेक्ट को, बराबर? फिर नेक्स्ट टाइम आप सेकंड ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दिस जो है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ऐसे हम लोग चलते रहे। अभी यहाँ पे इशू ये है इस कंस्ट्रक्टर में कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नाम और वेरिएबल का नाम सेम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कोड मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं तो क्या इशू है? देखो आप ये वन भेज रहे हो, वन जाके किस में कॉपी हो जाएगा? सॉरी यहीं पे हो रहा हूँ, ये वन जाके किस में कॉपी हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी में। ये ए जाके एम्प्लॉय नेम में कॉपी हो जाएगा, सैलरी जाके किस में कॉपी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी, जेंडर में। लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स का और इंस्टेंस वेरिएबल्स का क्या लेना देना है? कोई मैपिंग किया है आपने या कोई असाइनमेंट किया है, कुछ भी किया है आपने? नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पे अगर ऐसे ही अगर आप प्रिंट कर दोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। ये अभी भी एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू जीरो है, एम्प्लॉय नेम नल है, सैलरी अभी भी 0.0 है, और जेंडर और कंपनी अभी भी नल है, बराबर है? यहाँ पे आपको ये वैल्यू जो आप पास कर रहे हो डायनामिकली, ये इसमें असाइन भी तो करनी पड़ेगी, बराबर है? तो ये करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं?
employee ID is equal to employee ID. बराबर है? Yes. लेकिन ये employee ID मतलब कौन सा employee ID होगा रे? यहाँ पे नाम name conflict हुआ ना, same name है, instance variables का भी arguments का भी. Yes, sir. तो इस केस में यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी लिखोगे, ये एम्प्लॉय आईडी हमेशा ये आर्ग्यूमेंट वाला ही एम्प्लॉय आईडी होगा. लाइन नंबर 19 का मतलब है आप इसी एम्प्लॉय आईडी में यही एम्प्लॉय आईडी वापस से कॉपी कर रहे हो. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, लेकिन आपको क्या किस में असाइन करना है? क्लास एम्प्लॉय की, इसके एम्प्लॉय आईडी में करना है ना. यहाँ पे तो नेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब कैसे करेंगे? और कोई ऑप्शन है अपने पास? लास्ट नेम डॉट दिस. जब ये ऑब्जेक्ट बना, हमने कौन सा इवन बनाया है, ठीक है? जब ये ऑब्जेक्ट बना, आईडी की वैल्यू जीरो थी, नेम की वैल्यू नल थी, ठीक है? नहीं, सैलरी की 0.0 थी और बाकी के नल नल थे सब. बराबर यहाँ पर अब हमने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है. कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर में क्या मिलेगा? इस कोड के अंदर में ये भी इंस्टेंस ब्लॉक ही है ना, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना ये यहाँ पे. तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या मिलेगा? दिस. दिस हमेशा किसे पॉइंट करेगा? जिसके वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. बराबर है? Yes. आपने ये एम्प्लॉय आईडी भेजा है, लेकिन आपने क्या अभी भी इसमें असाइन किया है क्या? नहीं किया है. ये करना है तो आप क्या करोगे? दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ये एम्प्लॉय आईडी जो आपने पास किया है. बराबर है? Yes. नेम को सेट करना है तो आप क्या लिखोगे? दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, और जो भी डायनामिकली आप पास करोगे उस एम्प्लॉय नेम के साथ ये सेट हो जाएगा. This dot salary, जो भी salary आप भेजोगे वो salary उसमें अपडेट हो जाएगी. एंड दिस डॉट, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि नेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. हाँ या ना? अगर ये नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होता, अगर इसका नाम ई आई डी होता तो क्या लिखना पड़ता आपको? employee ID is equal to EID. यहाँ पे this यूज करने की जरूरत है? क्योंकि कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है. बराबर है? बट अगर नेम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो this. अगर this नहीं लिखोगे, चलो अगर किसी को अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ, ये नहीं लिखा तो क्या प्रॉब्लम है, इश्यू क्या है? आर्गुमेंट में आर्गुमेंट की ही वैल्यू आप डाल रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपको ये आर्गुमेंट की वैल्यू किस में जाके सेव करानी है? इंस्टेंस वेरिएबल में डालनी थी ना ये वैल्यू यहाँ पे. तो ये करना है और नेम कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है तो देर इज नो ऑप्शन बट टू यूज दिस. समझ में आया? ठीक है. तो अगर इसी कोड को अगर मैं चेंज करूंगा तो अब मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताओ फटाफट. दिस डॉट एम्प्लॉई नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉई नेम. This dot salary is equal to salary. This dot gender. समझा? This keyword समझ में आया? This के बारे में कुछ ऐसे कुछ फैंसी कुछ नहीं है, बस आपको इतना भी अगर पता चल गया कि this एक instance method होती है, constructor होती है जिसमें this मिलता है, और दिस हमेशा जिसके वजह से ये कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस मेथड कॉल हुए है, दिस हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है. इतना भी अगर आप डायग्राम बना पाए ना यहाँ पे, फिर यहाँ से आगे के आंसर आप इजीली कर पाओ. डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. विदाउट दिस डायग्राम्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एमसीक्यूज. यहां तक कोई इशू है किसी को? तो कहाँ कहाँ मिलता है दिस? इंस्टेंस मेथड में मिलता है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Constructors में? Yes, sir. Yes, sir. Init block में? Init block में कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ऑब्जेक्ट क्रिएट तो उसके अंदर भी आपको दिस मिलेगा. Yes. बराबर है? तो जिसके वजह से ये init block कॉल हुआ है, ये दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. स्टैटिक मेथड में दिस मिलता है? नहीं. क्यों?
the explanation is to invoke a static method. You don't need object. बराबर है? सिर्फ क्लास का नाम ही काफी है उसके लिए. Yes. बराबर. That's why this is not allowed to use in static methods or static block. Static method मतलब कि मेन मेथड की बात कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ this this अगर कीवर्ड को यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या इश्यू आएगा? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय में ही एक this में एक पीरियड स्टैटिक मेथड बना देता हूँ. स्टैटिक वॉइड प्रिंट और यहाँ पे लिख देता हूँ this dot ऐसे चलेगा क्या? नो सर. लाइन नंबर 26 नहीं चलेगी. क्या इशू है? स्टैटिक एरर है. स्टैटिक जावा सी कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट जावा. ठीक है. नॉन स्टैटिक मतलब ये बेसिकली यही कह रहा है कि दिस को आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की कोशिश कर रहे हो. And this is not allowed to use in a static context. बोले तो static block and static method. ठीक है? तो ये allowed नहीं है. Print को call करना है तो मैं कैसे call करूं? चलो ये last चीज लेते हैं, फिर इसके बाद में break ले लेंगे हम लोग. Last name dot print. Print मतलब क्या नाम है class का? Employee. कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है? कल किसी ने पूछा था कि क्या सर हम लोग इवन डॉट प्रिंट कर सकते हैं क्या? ये 42 इज द राइट वे टू इनवोक द स्टैटिक मेथड और ऐसे ही होना चाहिए था. लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ? इवन डॉट प्रिंट. अब तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट मेथड कॉल करेगा ना? यस. यस और नो? यस यस. अब मुझे वापस से वही आंसर देना है. ध्यान से सुनना सब लोग हो साथ में. यस. यू आर ट्राइंग टू इनवोक अ स्टैटिक मेथड यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल. लेकिन इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नो. एक्चुअल में हमें किसके थ्रू इन्वोक करना चाहिए था? क्लास के नाम. क्लास को. बट वी आर इन्वोकिंग प्रिंट मेथड यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल. तो अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेगा मतलब कि इसकी वैल्यू 1A और 10,000 और फीमेल ले लेगा. बराबर है? ऐसे नहीं होता है. कंपाइलर क्या करेगा? ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? ये समझना बहुत जरूरी है. प्लीज ध्यान दो. यस सर. प्रिंट मेथड स्टैटिक मेथड है. आपने किसके थ्रू कॉल किया है? तो कंपाइलर जब इस लाइन को जब ये ट्रीट करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, इस लाइन को कहेगा कि भैया इवन का टाइप क्या है. पहला सवाल पूछेगा कंपाइलर, इवन का टाइप क्या है? ये रेफरेंस वेरिएबल है. डेटा टाइप कहाँ डिक्लेयर करता है? यहाँ पे डिक्लेयर करता है. फॉर स्टैटिक मेथड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर विल आस्क इवन का टाइप क्या है. इवन का टाइप इज Employee. और ये बैकग्राउंड में वापस जाके employee dot print ही लिख देगा. समझा? ठीक है. इफ यू से a2 dot print, पहले आपको देख के बताना है कि प्रिंट स्टैटिक मेथड है कि नहीं है. है? नहीं. हाँ स्टैटिक है. स्टैटिक मेथड है. वापस से बता रहा हूं, ध्यान दो. फॉर स्टैटिक मेथड्स द बेस्ट गुड प्रैक्टिस इज टू यूज क्लास नेम्स. ओके. बट इफ यू यूज रेफरेंस वेरिएबल का नेम दैट इज आल्सो फाइन. बट बैकग्राउंड में हो क्या रहा है ये समझा रहा हूं मैं आपको. इस केस में ये E2 ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल होगा. कंपाइलर क्या करेगा E2 डॉट वाले प्रिंट को? पहले कहेगा कि E2 का टाइप क्या है. E2 का टाइप क्या है? Employee. तो ये E2 dot print नहीं कॉल हो रहा है. ये अभी भी employee dot print ही कॉल हो रहा है. समझ में आया? Yes. कोई डाउट है इसमें?
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रिंट स्टैटिक मेथड है। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो फिर इवन डॉट प्रिंट डी टू डॉट प्रिंट बराबर का ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल होते हैं, बराबर है यहाँ पर। लेकिन स्टैटिक मेथड है और आप इवन डॉट प्रिंट लिख रहे हो तो ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? ये एम्प्लॉय डॉट प्रिंट कॉल हो रहा है, ठीक है? तो आप इवन डॉट प्रिंट करो या इटू डॉट, ये एमसीक्यू में आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। इवन डॉट प्रिंट किया तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट कर देना चाहिए, इस टाइप से कुछ यहाँ पे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। समझ में आए? यस सर। यस, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला कि ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन प्रिंट को कॉल करने की आइडियल वे क्या है? ये वाला, ऐसे ही कॉल करना चाहिए था हमें। yes. ठीक है, लेकिन हम लोग इवन डॉट प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा? ये इवन डॉट प्रिंट नहीं हो रहा, ये अभी भी क्या हो रहा? एम्प्लॉय डॉट प्रिंट ही हो रहा है। ई टू डॉट प्रिंट, तो ई टू डॉट प्रिंट हो रहा है क्या ये? नो, ये अभी भी क्या हो रहा? For the last time, tell me. एक constructor demo है। Constructor demo में एक static method बना देता हूँ, static void m1। ठीक है? इसके अंदर में क्या लिखना है मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं एक constructor demo class का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। It's a c1 is equal to new. Constructor demo, and if I say c1.m1, ये line internally कैसे treat होगी? c1 क्या होगा इस line का? constructor demo dot m1, तो ये run होगा तब क्या? ये c1.m1 करके run होगा क्या? no, no. कैसे run होगा ये? constructor demo dot m1 समझा? जब JVM रन करेगा इसको तब ये c1.m1 नहीं, ये कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट एम वन करके रन होगा। क्लियर है? सो मुझे बताओ, सो अब अगर आप इस इंप्रेशन में हो कि सर हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक मेथड को कॉल किया, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसे चीजें कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे फॉर स्टैटिक मेथड। सो फॉर टू इनवोक स्टैटिक मेथड, ऑब्जेक्ट और स्टैटिक मेथड का कोई लेना देना नहीं है। Static methods are never invoked through object. Even if you try to invoke a static method through C1 or any reference variable, background mein, before executing this code, C1 will be replaced with the class name. Jis type ka hai, wo us type mein wo replace hota hai. Koi issues? Koi questions? Kal kisne pucha tha? Yogesh ne pucha tha kya? कहाँ गए योगेश? सर हो ना? हाँ सर, मैं हूँ, पर मैंने नहीं पूछा था। हाँ, कोई डाउट है? ना, कल किसने पूछा था? कोई तो था यार, रंजित था शायद। हाँ, वो बोल भी नहीं रहा। ये मैंने नहीं पूछा था। तो पाप वाला क्या? नहीं नहीं, वो पाप वाला तो अलग था। ठीक है, ये समझ में आया आपको स्टैटिक मेथड्स का? ठीक है, दिस कीवर्ड कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता? फॉर द लास्ट टाइम टेल मी बिफोर गोइंग इंस्टेंस मेथड कंस्ट्रक्टर एंड इनिट ब्लॉक, कैन यू यूज दिस इनसाइड स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक? नो, नो। दिस कौन देता है? जावा जेवीएम आपको इंटरनली देता है यहाँ पे, बराबर है? इंटरनली देता है इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर में। कहाँ यूज कर सकते हो दिस? जब भी इस टाइप का नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा, आर्गुमेंट का नेम और रेफरेंस वेरिएबल का, इंस्टेंस वेरिएबल का नेम जब भी सेम हुआ यहाँ पे, उस केस में अगर इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो दिस के थ्रू जाओ, बराबर है? ठीक है, दिस का पर्पस क्या है? दिस विल ऑलवेज पॉइंट टू रेफर टू ऑब्जेक्ट हु हैज करंटली इनवोक्ड ऑब्जेक्ट,
रिकरेंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट जिसने ये मेथड जिसने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है दिस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ना कि हर बार ये ऑब्जेक्ट अलग अलग भी हो? यस और नो? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दिस को भी चेंज करते जाओ आप. पहले प्रिंट मेथड इस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल किया था तो दिस इस पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट से करोगे तो दिस अब दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. स्टैक में ये सारी चीजें बनाते जाओ, स्टैक में दिस बनाना है जिस किसके वजह से प्रिंट कॉल हुआ है. ठीक है, लेकिन हमेशा इंस्टेंस मेथड को कॉल करते वक्त है ना मेक श्योर कि आप थोड़े दिनों के लिए प्रैक्टिस में रखो ये ऑब्जेक्ट की वजह से ये मेथड प्रिंट मेथड कॉल हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे एक दिस मिलेगा तो ये धीस हमेशा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. इस टाइप से आप हमेशा डायग्राम बनाती जाओ. कर लोगे? यस सर. यस सर. ओके, हम लोग अभी एक ब्रेक ले लेते हैं. 11:15 हुआ है सर. हाँ सर, हमने अगर एक ही क्लास में दो सेम नेम की एक स्टैटिक मेथड बनाई और एक इंस्टेंस मेथड बनाई तो फिर हम वो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड कॉल करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी? वापस से आना, मैं पढ़ पाया. हेलो. हाँ वापस से बोलना. हाँ सर, एक सेम क्लास में हमने एक स्टैटिक और एक इंस्टेंस मेथड बनाई उसका दोनों का नाम सेम है मतलब इन केस प्रिंट प्रिंट एक स्टैटिक एक इंस्टेंस है और हमने उसको ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नाम से कॉल किया तो फिर कौन सी मेथड कॉल होगी? तुम्हारा कहना है कि मैं ऐसे बनाऊं और एक. यस सर. ये करना है ना? यस सर. यस, ये पाप है. ओके सर. ठीक है, क्योंकि सेम मेथड नेम है यहाँ पे लेकिन रूल ये ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स है कि अगर मेथड नेम सेम है तो भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट एक आर्गुमेंट डिफरेंट होना चाहिए. ओके सर. कुछ रूल है ओवरलोडिंग के, वो बाद में समझाऊंगा जब हुक्स पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर हो गए. ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर. सर इधर नीचे आओ थोड़ा. लो आ गया. इधर ये employee dot print v1 dot print अपन ने प्रिंट किया है सर. ये बैकग्राउंड में employee dot print ऐसा कॉल होगा सर तो इसमें स्टैटिक मेथड ही कॉल होगा कि ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होगा? ये स्टैटिक मेथड ही है ना रे? हाँ वही प्रिंट करेगा ना सर. और कौन सा, और कोई प्रिंट है क्या इसमें? नहीं. आज का दिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, कोड लिखने के लिए बहुत कम है तो ये एक्सप्लेनेशन जो आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ एक जगह पे लिख के रखो. यहाँ पे ट्रस्ट मी, ये जब जावा खत्म इसके बाद ये सब भूल जाओगे आप लोग, कुछ याद नहीं रहेगा. ओके, सो कैन आई टेक अ ब्रेक? 11 अभी 20 हो रहा है, 11:40 पे मिलता है. 40 ठीक है, कोड दे दू क्या मैं? यस सर. दिस कीवर्ड कर लिया, कंस्ट्रक्टर मुझे एक्चुअली ये पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर स्टार्ट करना था लेकिन आज हम लोग वो नहीं करेंगे यहाँ पे. तो इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड से ही रिलेटेड मैं दो चार एग्जांपल्स दे बताना चाहता हूँ यहाँ पे एंड ट्राई टू आंसर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, एक वेरिएशन एक एग्जाम्पल रह गया है इसमें यहाँ पर हम लोग कर देते हैं. क्लास ले लेता हूँ एक्स. अब तक हमें अगर क्लास एक्स का अगर ऑब्जेक्ट बनाना था तो हम लोग कहाँ बनाते थे? यहाँ एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू इस टाइप से. ये एक्स कहाँ रहता है?
स्टैक में यानी ये ऑब्जेक्ट हिप में ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इन कंसेप्ट को आप ऐसे ही मैप करो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इसको ऑलरेडी। तो जब अगर लेट्स है यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना ले तो स्टैटिक इंट ए, तो जब रैंडम डेमो क्लास जब ये लोड होगा तब ए कहाँ बनेगा? स्टैटिक बॉक्स। परफेक्ट ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये वेरिएबल ये स्टैटिक ए में इंट टाइप का ए जैसे ये स्टैटिक बॉक्स में बना हुआ है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग अ स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक प्रिमिटिव वेरिएबल। डू यू एग्री विद दिस? Yes. Yes. Yes, sir. Now, instead of creating primitive variables, now what I'm doing, I'm trying to create a static reference variables. What's my point? Okay. So let's say if I create static x this type. So similarly, we create int b. अब ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है। सो बट वी कैन से दिस इज एन इंस्टेंस प्रिमिटिव वेरिएबल करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस प्रिमिटिव वेरिएबल नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम क्रिएटिंग इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल। समझ में आ रहा ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स स्टैटिक। क्या करना है हमें x यहां तक सब लोग साथ में हो? यस सर। यस सर। अब यहां पे मैं सिंपली एक स्टैटिक मेथड बना देता हूं, स्टैटिक void m1। मुझे करना क्या है, मुझे x स्टैटिक के थ्रू मुझे m1 को कॉल करना है या फिर सॉरी m1 को अगर कॉल करना है तो हम लोग कैसे डायरेक्टली करेंगे ना यहाँ पर x डॉट m1 ठीक है। तो मैं एक इंस्टेंस मेथड बना देता हूँ सिस्टम अपना टारगेट ये है कि टू इन्वोक m1। अगर m1 इन्वोक हुआ तो यू विल गेट आउटपुट m1 इन्वोक ठीक है। समझना ये कैसे कॉल करना है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ये इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस मेथड। तो इंस्टेंस मेथड को अगर इन्वोक करना है तो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट बराबर है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कैन यू इन्वोक इंस्टेंस मेथड? नो, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। तो इसको अगर कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा और कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूँ आपको अभी इस एग्जाम्पल में। आगे बढ़े ठीक। तो अभी के लिए ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा मैं इसको कमेंट करके रखता हूँ। पहले हम लोग स्टैटिक को समझते हैं। एक बार स्टैटिक समझ में आ गया तो फिर आपको ये समझ जाओगे आप। अगर मुझे इस ए को अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूं मेन मेथड में? कैन आई डायरेक्टली एक्सेस ए? क्या होगा जब रैंडम डेमो क्लास लोड होगा? रैंडम डॉट ए। परफेक्ट। ये स्टैटिक बॉक्स है मेरा। जब रैंडम डेमो क्लास लोड होगा तब सबसे पहले किसे मेमोरी मिलेगी? एक बराबर। तो आर डी डॉट ए और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी जीरो। और ये भी तो स्टैटिक वेरिएबल ही है ना, बट ये अब स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है ठीक है। तो इसको भी मेमोरी मिलेगी आर डी डॉट एक स्टैटिक। एंड बाय डिफॉल्ट रेफरेंस वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? नल। कोई भी रेफरेंस वेरिएबल हो By default reference variables की value होती है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे A को अगर access करना है, A की value जो zero है, मुझे उसको change करना है, तो अब मैं same class में हूँ, तो A is equal to 100 ऐसे लिख सकता हूँ? Yes or no? Yes. Yes. ठीक है? अब similarly, अब मुझे X static में क्या assigned है अभी? No. ठीक है। किस x static का टाइप क्या है? x मतलब मुझे x क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और मुझे ये x static में असाइन करना है, तो मैं क्या कोड लिखूं यहाँ पर? जैसे a में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो वैसे आप x static में वैल्यू असाइन कर दो। व्हाट माय पॉइंट इज इक्वल टू, समझा? क्योंकि x टाइप का है ना ये x static, तो इसमें x क्लास का ही ऑब्जेक्ट आएगा।
इसमें क्या आप 100 असाइन कर सकते हो क्या? नहीं ना. रेफरेंस वेरिएबल में क्या ऑब्जेक्ट ही आता है. रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ऑब्जेक्ट ही होती है. करेक्ट? यस सर. ये समझ में आया क्या किया मैंने? Yes. और फिर अब मुझे क्या करना है? M1 मेथड को इन्वोक करना है. कैसे करेंगे? स्टैटिक डॉट. ठीक है. अगर ये कोड नहीं लिखा होता हमने तो हम क्या लिखते? M1 को अगर कॉल करना है तो हम लोग अब तक क्या लिख रहे थे कोड? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर. लेट्स से x इज इक्वल टू न्यू x और फिर हम लोग लिख रहे थे x.m1. ये अब तक हम लोग लिख रहे थे. बराबर है. अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखी है स्टैटिक में. समझ रहे हो? आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल टू और ये वैल्यू असाइन करनी है बस. क्लियर है? ये जो डिक्लेरेशन है ये डिक्लेरेशन मैं यहां पे दे चुका हूं विद स्टैटिक कीवर्ड. बस आप क्या करो कि इक्वल टू न्यू करके एक ऑब्जेक्ट. क्या आप यही इसे लाइन पे वैल्यू असाइन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं यहां नहीं कर रहा हूं. अगर आप चाहो तो यहां पे भी असाइन कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में इसको इनिशियलाइज कर यहां पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो. देन यू हैव टू इनवोक द टाइप. समझ में आया ये? किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज. स्टैटिक ब्लॉक में कर सकते हैं क्या? क्या करना है स्टैटिक ब्लॉक में? इनिशियलाइज उसको. बिल्कुल कर सकते हैं. आप चाहो तो एक स्टैटिक ब्लॉक लिखो. लिखना क्या है मुझे बताओ? ए में आप कौन सी वैल्यू असाइन करोगे? इंट वैल्यू असाइन करोगे ना. सिमिलरली एक्स स्टैटिक में कौन सी वैल्यू असाइन करोगे? क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट. बराबर है. तो आप क्या लिखना है? एक्स स्टैटिक इज इक्वल टू न्यू एक्स. ये भी चलेगा, लेकिन अभी यहां पे आपको समझना यह है कि जैसे ए स्टैटिक बॉक्स में बना हुआ है, यहां पे बॉक्स में क्या बना हुआ है? एक्स स्टैटिक बना है. बराबर है. बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन मतलब कि एक्स स्टैटिक एक रेफरेंस वेरिएबल स्टैटिक बॉक्स में है विच इज पॉइंटिंग टू वन ऑब्जेक्ट ऑन हिप. समझा? ये इसका मतलब है. आगे बढ़ो. Yes, हर एक रेफरेंस वेरिएबल, जैसे कि अगर मैं एक्स और एक्स अगर बनाता हूं इक्वल टू, अब मैं राइट साइड में क्या लिखता हूं हमेशा? ऑब्जेक्ट बनाते हूं. बराबर. हर एक रेफरेंस वेरिएबल की तीन ही वैल्यूज हो सकती है. किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेफरेंस वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं. पहली तो है नल, दूसरी वैल्यू है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास. मतलब एक्स का टाइप क्या है यहाँ पर? एक्स तो राइट में भी एक्स का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर. बराबर है. Yes. और तीसरा ऑप्शन है, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, लेकिन ये जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस कंसेप्ट को. हर एक रेफरेंस एवरी रेफरेंस वेरिएबल कैन होल्ड थ्री वैल्यूज. नल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास मतलब एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू एक्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास ऑफ एक्स और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास ऑफ द डिक्लेयर्ड रेफरेंस टाइप. यहां पे रेफरेंस टाइप किस टाइप का है? एक्स का है. यहां पे इक्वल टू न्यू, अगर मान लो अगर कोई एक क्लास वाई है जो एक्स का चाइल्ड है. समझ रहे हो ना आप लोग? एक क्लास है वाई, ये किसका चाइल्ड है? एक्स का चाइल्ड है. तो आप चाहो तो यहाँ पे न्यू वाई भी लिख सकते हो, मतलब कि एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू वाई. ठीक है, लेकिन ये वाला कंसेप्ट आज मुझे एक्सप्लोर करना भी नहीं है ज्यादा. बस आज के दिन आप चाहो तो नोट डाउन करके आप इसको छोड़ दो. आई अज्यूम्ड दैट वाई इज द चाइल्ड ऑफ द क्लास एक्स, सो यू कैन ऑल्सो राइट एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू वाई. बराबर. तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास x का अगर रेफरेंस है तो इसमें आप वैल्यू कौन से डालोगे बताओ? यहां पे क्या ऑप्शन है?
एक्स स्टैटिक में अगर मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है, एवरी रेफरेंस वेरिएबल कैन हैव थ्री वैल्यूज, कौन कौन से? अब चाहो तो इक्वल टू नल, बाय डिफॉल्ट ये नल ही होता है, बराबर? Yes. अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? और दूसरा ऑप्शन क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, मतलब कि न्यू एक्स, बराबर है? या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ऑफ एक्स, ठीक है? यही तीन वैल्यूज पॉसिबल है, और ये तीसरी वैल्यू पे आज हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो मुझे कोड बताओ फटाफट, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? ए की वैल्यू मॉडिफाई करो, कैसे करोगे? ए इज इक्वल टू 10, चलेगा? या फिर आप क्या लिखो? ठीक है, एक स्टैटिक की वैल्यू असाइन करो, एक स्टैटिक की वैल्यू चेंज करो, अभी क्या है बाय डिफॉल्ट? नल है, क्या लिखूंगा मैं? हर एक रेफरेंस वेरिएबल के तीन ही वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कौन सी वैल्यू में इंटरेस्टेड है? न्यू, क्या लिखो यहाँ पे? एक्स, एक्स, परफेक्ट। y को इनिशियलाइज करो, इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अब इसकी वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? नल। अब मुझे चेंज करनी है, कैसे करूंगा मैं? y स्टैटिक इज इक्वल टू न्यू बाय न्यू बाय, परफेक्ट, ठीक है? अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट बना के आपने किस में रखा हुआ? x स्टैटिक को, बराबर है? यहाँ पे अब अपना टारगेट क्या था? M1 को कॉल करना, तो कॉल करो अभी एक स्टैटिक के थ्रू। अब मैं M1 को कॉल कर देता हूं, हो गया? तो जब ये M1 कॉल होगा तो किसके थ्रू कॉल होगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहां पे आपको ये समझना था कि अब ये x स्टैटिक जो है वो स्टैक में नहीं है, वो कहां पे है? स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है? अब मुझे इसका बता दो, x x is equal to new x, अब ये x कहां पे है? स्टैक पे, ये x है स्टैक पे, लेकिन ये x स्टैटिक कहां पे है? स्टैटिक ब्लॉक, और हीप है एक बीच में आ रहा, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक स्टैटिक इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, यही इसका डायग्राम है, करेक्ट? एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू एक्स का डायग्राम कैसे बनेगा? एक्स कहाँ बनाना है आपको? स्टैक में, एंड इट इज पॉइंटिंग टू वन ऑब्जेक्ट ऑन हीप, बराबर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एम वन को कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? x static dot m1, यही लिखा है ना मैंने? Yes. इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर m1 को कॉल करना है तो x dot m1, बराबर है? Yes. Perfect. हटा दो डायग्राम। Yes. सर वो ब्रैकेट में से डिसाइड ब्रैकेट का वाई का ये वाई वो अब ठीक है M1 invoked. अब तक हमें यह पता था कि इंस्टेंस मेथड को कॉल करने तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, रेफरेंस बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। पहले हम लोग रेफरेंस मेन मेथड के अंदर में बनाते थे, अब मैंने रेफरेंस वेरिएबल
स्टैटिक जहां पे डिक्लेयर करते हैं मैंने वहां बनाया, बस यही चेंज था प्रोग्राम में, ठीक है। अब मुझे वापस से, चलो अगर इतना समझ में आया है तो मुझे इसका आंसर बता दो। बी को मेमोरी कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। किस क्लास का? डेमो क्लास का। परफेक्ट, ठीक है। तो हमें पहले अगर इसको, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है कि स्टैटिक वेरिएबल्स है? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो प्लीज बोल दो फटाफट। हाँ, यहाँ पर तो पहले मुझे रैंडम डेमो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? जैसे ही ये लाइन लिखोगे तो क्या हुआ फटाफट? डी कहाँ पे बना? स्टैक पे, बराबर, जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। ये मेन मेथड है, ये हीप है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तब किसको मेमोरी मिलती है? इंस्टेंस वेरिएबल। कितने इंस्टेंस वेरिएबल है रैंडम डेमो में? एक मुझे ये दिख रहा है और ये भी तो है ना, ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर किया ना हम लोगों ने। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल, बराबर। ये इंस्टेंस प्रिमिटिव वेरिएबल है, ये इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल है। चलो, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा बी को मेमोरी मिलेगी और बी की डिफॉल्ट वैल्यू होगी जीरो। एक्स इंस्टेंस को मेमोरी मिलेगी, मैं एक्स आई लिखता हूँ और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस b की वैल्यू को मॉडिफाई करो। क्या कोड लिखोगे? चलेगा? यस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस x इंस्टेंस की वैल्यू चेंज करो। सेम ही करना है x, लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल की तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन से? नल, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, या ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास का क्या मतलब है? रैंडम डेमो का ऑब्जेक्ट या एक्स का ऑब्जेक्ट? एक्स का ऑब्जेक्ट। जिस टाइप का एक्स इंस्टेंस है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट या फिर उसके चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, डी डॉट बी। सो डी डॉट एक्सिस्टेंस में हम लोग कौन सी, ये किस टाइप का है? ये एक्स का है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? न्यू। समझ में आया? तो अब एक्स इंस्टेंस की वैल्यू नल थी, अब क्या हुआ? न्यू कीवर्ड से क्या बनता है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को रिफेयर कौन कर रहा है? D का एक्स है, बराबर है? इसकी वैल्यू क्या थी अभी? नल। अब ये किसे रिफर करेगा? वापस से मैं एक बार ट्राई करते, अभी वापस से ध्यान से सुनो, ठीक है। इस क्लास के कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स है? दो। कौन कौन है? बी एंड जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले? तो ये लो, हमने बना लिया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तब क्या हुआ? इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिली, बराबर। मतलब कि बी को मेमोरी मिली और एक्स इंस्टेंस को मेमोरी मिली, बराबर। Yes, जब बी को मेमोरी मिली तो बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी जीरो और एक्स इंस्टेंस की वैल्यू थी नल। ये तो रहना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद इस लाइन के नीचे मैं कोड लिख रहा हूँ, डी डॉट बी इज इक्वल टू 20। मतलब कौन चेंज हो रहा है? डी का बी, जिसकी वैल्यू जीरो थी इसको मैंने क्या कर दिया? 20। अब मैं चाहता हूँ कि इस एक्स इंस्टेंस में भी एक ऑब्जेक्ट आए। रेफरेंस वेरिएबल है ना, रेफरेंस वेरिएबल के तीन वैल्यूज हो सकते हैं, नल या ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एक्स, बराबर। अब इसमें एक क्लास एक्स का अगर मुझे ऑब्जेक्ट डालना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डी डॉट एक्स इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू एक्स। लेकिन हो कह रहा, पहले ये समझो, न्यू कीवर्ड से क्या बनता है?
ऑब्जेक्ट पहले आप ऑब्जेक्ट बनाओ. किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने किस में असाइन किया है? डी का एक्स इंस्टेंस. समझ में आ रहा? डी का एक्स इंस्टेंस जिसकी वैल्यू नल थी, अब ये किसे रिफर करेगा? इस ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा. समझा? ठीक है. अब अपना टारगेट क्या था? एक M1 मेथड है. किस क्लास में है M1? यहाँ है ना M1? एक्स में. क्लास एक्स में. M1 इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस. मतलब कि क्लास X के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा ये? Yes. Yes. No. अब हमने क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट है, बराबर? आया ना? Yes. Yes. इसको कौन रिफर कर रहा है? ये एक्स इंस्टेंस. Existence. इसको कौन रिफर कर रहा है? डी. तो अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कौन से मेथड को कॉल करना है? M1. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी डॉट एक्स इंस्टेंस dot m1. समझा? ठीक है, इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा और आप मुझे कोड बताओगे उस टाइम पर. क्लियर है ये? क्या किया हम लोगों? चलो, अगर क्लियर है तो ये डायग्राम हटा दूं मैं यहाँ से. चलो डायग्राम रख लेते हैं. यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ void m2. अब रैंडम नेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा तब. अब इसके कितने रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल्स है? कौन कौन है? बी एक्स इंस्टेंस है, वाई इंस्टेंस. चलो डायग्राम बताओ क्या बनाओ, क्या लिखना, क्या एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा इसमें? अभी क्या हटा देता हूँ. डी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसमें बी की वैल्यू है जीरो, एक्स इंस्टेंस की वैल्यू है और वाई इंस्टेंस की वैल्यू है. डी को बी की वैल्यू चेंज करो. अब मुझे बताओ बी तक पहुंचने का क्या तरीका है? डी के थ्रू. डी डॉट बी इज इक्वल टू 20. डी इस एक्स इंस्टेंस में आप क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट असाइन करो. कैसे करोगे? डी डॉट एक्स आई इज इक्वल टू न्यू एक्स. अब इस वाई आई में किसका, किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा रे? वाई इंस्टेंस किस टाइप का है? वाई. तो इसमें ऑब्जेक्ट भी किसका आएगा? वाई. तो क्या लिखना पड़ेगा? डी डॉट वाई इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू वाई. परफेक्ट. ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो नल थी, एक्स इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? एक्स का. और वाई इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? वाई का. अब मैं आपको कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एम वन को कॉल करो, बराबर है? इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? डॉट एक्स आई डॉट एम वन, बराबर है? Yes. अब मैं कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब आप M2 को कॉल करो. M2 Y क्लास में ही है ना? Yes. इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस मेथड. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, Y क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा, बराबर है? Yes. तो ये Y क्लास का ऑब्जेक्ट ये रहा. मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू M2 कॉल करो. कैसे करोगे? डी समझा? ठीक है, थोड़ा आई नो कि डायग्राम थोड़ा मेसी है, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हो उस चीज को. ठीक है, कोड लिखा. अगर M2 इन्वोक होता है तो मैं लिखता हूँ रैंडम डेमो. डी बनाया, यहाँ से आगे क्या करना पड़ेगा? डी डॉट डी इज इक्वल टू लेट्स सेट 10, डी डॉट
x instance is equal to new x. Perfect. And d dot y instance d dot karte new y. क्या करना है M1 को और M2 को कॉल करना है. M1 है क्लास X में, बराबर. कैसे करूं कॉल? D dot X instance X instance dot M1. यहाँ पे हमने X static dot M1 डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? D dot X instance dot M1. और आगे और क्या लिखो? D dot Y instance dot M2. Perfect. M1 invoke and M2 invoke. कोई डाउट है? इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है कि हमने देखा कि हाउ टू डिक्लेयर स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, बराबर है. ये स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल ही है ना. चलो ये y स्टैटिक के साथ हमने तो कुछ अच्छा लिखा है क्या? अब मैं चाहता हूँ कि ये y स्टैटिक के थ्रू अगर M1 को कॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा? y स्टैटिक सॉरी नॉट डॉट M2 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 बराबर. तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि हाउ टू डिक्लेयर स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल्स, बराबर है. अगर इंस्टेंस रेफरेंस स्टैटिक के केस में सब कुछ सिंपल है, रहे मतलब कि कुछ करना नहीं पड़ता, रैंडम डेमो डॉट ए या फिर एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. बट इंस्टेंस वेरिएबल्स को थोड़ा समझना ट्रिकी रहता है. इंस्टेंस वेरिएबल्स आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर बी को लिखो, एक्स आई को लिखो, वाई आई को लिखो, फिर इनकी वैल्यू क्या है वो अपने आप को बताओ, फिर इसमें ऑब्जेक्ट असाइन करो, ये सारी चीजें आएगी इसमें, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप कोड बताओ कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना. बता पाओगे? yes. चलो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसे एग्जाम्पल को थोड़ा और ट्रिकी करके देखें. इंटरेस्टेड हो? Yes, sir. आप सिर्फ आपको सब कुछ पता है, सारे कंसेप्ट्स को आप एक को एक जगह पे लाना है और लॉजिकली उनका आंसर बताना है कि क्या करना पड़ेगा, क्या कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है. एंड ट्राई, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. अगर आप लोग नहीं कर पाए तो शायद मैं नेक्स्ट बैच को नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे मैं अज्यूम कर लूं. मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास एक्स में क्या कोड लिख रहा हूँ वो देख के तो एकदम डरो भी मत. इसको मैप करने के लिए मैं एक int a b लिख देता हूँ साइड बाय साइड, int p लिख देता है. नीचे क्या लिखा हुआ है वो सब छोड़ दो, ये सब छोड़ के मुझे सिर्फ क्लास x के बारे में बताओ. हाउ मेनी इंस्टेंस वेरिएबल्स आर देयर इन क्लास x? मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी क्लास x का ऑब्जेक्ट बनेगा तब किसको मेमोरी मिलेगी? p को और y को. इतना ही याद रखना है, इतना सिंपल है ये, ठीक है. तो ये मैंने बना दिया. अब मुझे लाइन बाय लाइन बताओ हो क्या रहा है यहाँ, यहाँ से मैं इंटरेस्टेड हूँ. बता पाओगे? यस सर. चलो क्या, सॉरी कहाँ से? लाइन नंबर 32 से. पहले लाइन नंबर 32 पे होगा क्या मुझे बताओ? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक d बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा. कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं? दो. दो. तीन. कौन है? बी है, एक्स आई है, वाई है. इसकी वैल्यू है जीरो. इसके नल नल थे. इस एक्स आई को इनिशियलाइज करने के लिए फिर आप, फिर ये आपने डी डॉट बी इज इक्वल टू 10 कर दिया, बराबर है. यहाँ पर लाइन नंबर 34 पे क्या किया है? किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है? मुझे बताओ, जब भी क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा यही से, तो किसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी? क्लास एक्स के, ठीक है. आप जाओ क्लास एक्स में, मुझे बताओ किस किस को मेमोरी मिली होगी ये ऑब्जेक्ट बनते ही? पी एंड वाई. पी की वैल्यू क्या हुई फिर?
जीरो और y की वैल्यू क्या होगी? नल। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब y इज इक्वल टू नल, मतलब y में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा रे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा अगर असाइन करना है? मैं चाहता हूँ कि आप इस y में y को इनिशियलाइज करो। कैसे करोगे? इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का क्या तरीका? समझा? ठीक है, अब y के थ्रू m2 को कॉल करो। डॉट एम टू, ये इतना फाइन है, इतना तो है, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा? डी डॉट डॉट एम टू। समझा? ठीक है, तो कोड क्या लिखा क्या नहीं, इस बिल्कुल आपको डरना ही नहीं। फंडे इतने सिंपल है, आप अगर चाहो तो इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं। फंड अगर मुझे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनता है इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, दैट्स इट। क्लास लोड होता है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, दैट्स इट। बाकी फिर कोड को तो आप लाइन बाय लाइन जाके डीबग कर ही लोगे, बराबर है? ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब ये एग्जाम्पल मैं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं 10-11 साल से मैं यही तो कर रहा हूँ तो आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के ये एग्जाम्पल मुझसे बन गए यहाँ पे। लेकिन अगर मैं एज इट इज अगर ये कोड अगर आपको दे दूंगा तो क्या आप इस पर डिबग कर पाओगे बराबर? ठीक है, इसलिए ये डायग्राम बनाना आना चाहिए अगर ये बना पा रहे हो। अब वाई, अब मुझे बताओ फिर आपने क्या किया? वाई में आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया इस लाइन पे, बराबर है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी वैल्यू क्या थी अभी? नल। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना वाई। अब इस ऑब्जेक्ट को कौन रिफर कर रहा है? डी डॉट एक्स आई डॉट वाई, बराबर है? ये इसका डायग्राम। और जब वाई का ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या होगा? वाई के इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग रुक गए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एन नंबर ऑफ लेवल्स तक ले जा सकते हो। चाहो तो आप एक क्लास जेड बना दो यहाँ पे। चलो और एक बार लास्ट वाला बता दोगे इसका आंसर? यस सर। करना, एक क्लास बना दो जेड, जेड के अंदर में एक एम थ्री मेथड बना देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं। चलो मुझे बताओ, जब y का ऑब्जेक्ट बनेगा तब किसको मेमोरी मिलेगी? z को। और इसके वैल्यू क्या होगी इनिशियली? नल। इस z को इनिशियलाइज करो। कैसे करोगे? डी डॉट न्यू न्यू z बना। अब z की वैल्यू नल थी तो अब ये क्या होगी? अब इसके थ्रू M3 को कॉल करो। डी समझा? यस सर। यस सर। कर लोगे ना यहाँ पे? यस सर। हटा दो ये डायग्राम में। यस सर। क्या किया हमने लास्ट वाले में? Void M3. M3 invoked. और ये जेड मैंने खा लिया है वाई के अंदर। वाई के अंदर लिख दिया। क्या कोड लिखूं मैं यहाँ पे? D dot X I instance. यहाँ पे y लिया है x instance में, वहाँ लिया है ना? dot y is equal to new y। पहले y को भी तो initialize करना है ना हमें। जैसे ही y का object बना तो x z को memory मिली, बराबर है? क्या
क्या लिखेंगे, z को इनिशियलाइज करो, y dot z dot z equal to new z new z. परफेक्ट. अब इस y के थ्रू m2 को कॉल करो, कैसे करेंगे? D के थ्रू M3 को कॉल करो. बराबर है? क्या हो गया? कैन नॉट फाइंड सिंबल Y स्टैटिक S कैपिटल है. M2 invoked, M3 invoked. और अच्छे से आउटपुट लिखो ताकि आपको पता चल सके. कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? इंस्टेंस वेरिएबल को आप देखो ही नहीं क्या है क्या नहीं. ऑब्जेक्ट बना तो जिसका ऑब्जेक्ट बना सीधा जाने का गोला मारने का, उसके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू लिख देने की वहां पर फटाफट फटाफट. और यही प्रैक्टिस रखो तो बेटर भी रहेगा. ठीक है, अपने जो स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल बनाए हमने वो बस हिप अपने स्टैक की जगह पे स्टैटिक बॉक्स में नेम लेते, बस इतना ही है ना. बस 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 बस. और इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल वो वेरिएबल भी हिप में रहेगा जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, वो जो वो भी हिप में रहेगा. बराबर? यस. बस स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल स्टैटिक बॉक्स में बनाना है, स्टैक में नहीं. करेक्ट सर. उसका यूज कैसे होगा फिर, मतलब कैसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं उसको? है बहुत सारे सिचुएशंस है अभी, मतलब अभी तो हम लोग बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं. अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है यहाँ पर. और जैसे कलेक्शन ये सारी चीजें स्टार्ट होगी ना तब आपको पता चल जाएगा कहाँ यूज करना क्या नहीं. अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. एनी डाउट? ठीक है, तो स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल बता दिया, इंस्टेंस रेफरेंस वेरिएबल बता दिया, दिस बता दिया. ये सारे एग्जांपल ट्राई करो और मुझे लगता है जितने बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को लगते थे अभी से जो आगे के सेशंस के लिए उप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इसके लिए जो भी लगता है तो आई थिंक वो बेस अपना बन चुका है यहाँ पे. तो आई थिंक वी आर गुड टू गो विद उप्स कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ऑफ कोर्स आज नहीं जाएंगे. सो टुमारो यू विल बी ऑन लीव, मतलब कल मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ मंडे के दिन. और हम लोग फिर ट्यूजडे को, मुझे छुट्टी है यहाँ पर, तो हम लोग फिर 9 या 9:30 के आसपास स्टार्ट करते हैं. क्या क्या कंफर्टेबल है? 9:30 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 9: